गली में गरदा उड़ा बत चाली, मचला लैकन में खल बाली, मर लेनी जब हम सेंट गम कहुआ, ये गोरी तोरी पुराना काका ब्यास, अरे ना होई के सरिये के हो। नमस्कार दोस्तों, चर्चा में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों आज मेरे साथ चर्चा में चर्चा करने के लिए हैं शिव कुमार और उनके सुपुत्र ओम जी। दोस्तों ये दिव्यांग हैं, ये देख नहीं पाते हैं, इनकी आंखें नहीं हैं। आइए आज इनके साथ चर्चा में चर्चा करते हैं। नमस्कार सर। नमस्कार सर आपको और आपके चैनल के माध्यम से। मैं बहुत खुशी हुई मैं आपको चैनल में जा करके, मैं पहली बार आया हूँ और मैं जनता से रिक्वेस्ट करता हूँ, ये मेरा बेटा ओम जी आप लोगों से अपील करता है कि हमारे वीडियो जो भी देखें ज़्यादा से ज़्यादा लाइक शेयर करें, कमेंट करें और आगे बढ़ाएं। ओम जी आपको भी कुश दुबे का हृदय से नमस्कार बाबू। नमस्कार, मेरा नाम है ओम जी और जो मेरा वीडियो लाइक करेगा उसको हाथ जोड़कर प्रणाम कर रहे बाबू। जो वीडियो लाइक करे उसको भी नमस्कार और जो वीडियो लाइक ना करे उसको भी नमस्कार। दोस्तों जैसा कि मैंने आपको इंट्रो में बताया, इनका नाम ओम जी है। अब भगवान की कृपा समझो चाहे नाराजगी समझो, जो भी समझो, ये दिव्यांग हैं, आंखों से देख नहीं सकते और इनके पिताजी हैं। और ये लड़का कैसा गाता है वो तो भी मैं इनसे बात करूंगा तो पता चलेगा, अच्छा गाता है खराब गाता है वो तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताएंगे। ओम जी कोई गाना आपको याद है, कोई भोजपुरी भक्ति गाना आपको आता है गाना? हाँ। सुना सकते हैं अभी आप? अभी नहीं, सुनाओ। अभी नहीं सुना सकते? बढ़िया गाना सुनाना। माइक चालू करिए। हाँ माइक चालू है, आप सुनाइए। माइक चालू कर रखा हूँ, सुनाइए। मैंने माइक चालू कर दिया, सुनाइए। सुनाए? हाँ सुनाइए सुनाइए। माई डोली चढ़ी चलाली सेवक गरबा, माई डोली चढ़ी चलाली सेवक गरबा, माई डोली चढ़ी चलाली सेवक गरबा, ओही डोलिया की बघबक हार दुनिया में शोर भइल बा, माई डोली चढ़ी चलाली सेवक घरवा। और कोई गाना आपको भोजपुरी का आता है? आता है भोजपुरी गाना, गाओ। और कोई भोजपुरी गाना जो आता हो सुनाइए गाना। भोजपुरी सुनाइए सुनाइए। सुना रहा हूँ जी। गली में गरदा उड़ा बत चाली, मचला लैकन में खल बाली, मर लेनी जब हम सेंट गम कहुआ, ये गोरी तोरी पुराना काका ब्यास, अरे ना होई के सरिये के हो, ये गोरी तोरी चुनरी बझल कहुआ, जान मर लानाई लकन हुआ, ये गोरी तोरी चुनरी बझल कहुआ, जान मर लांगाई लखन हुआ। सर मैं आपसे जानना चाहता हूँ कि आप 10 साल की उम्र मुझे लग रही है, कितनी उम्र है इनकी? सर इनकी अभी 9 साल, अभी 10 साल होंगे अप्रैल में, 25 अप्रैल को 10 साल हो जाएंगे। जैसे कि इनको कहीं आप सिखा रहे हैं, संगीत की ट्रेनिंग दे रहे हैं, कैसे हो रहा है? नहीं सर, संगीत की ट्रेनिंग अभी कहीं नहीं दे रहे हैं हम, अभी घर पे इनकी मम्मी है, मोबाइल में गाना लगा के देती हैं और ये सीखते हैं और गाते हैं। अच्छा। हाँ तो आपका क्या सपना है, क्योंकि इनका जो भविष्य है आपके ही हाथ में है, आप ही डिसाइड करेंगे, आप क्या चाहते हैं? मैं तो सर चाहता हूँ कि हमें कोई एक प्लेटफॉर्म मिले इनको आगे बढ़ाने के लिए, हमें सपोर्ट मिले, मैं इनको जहाँ तक चाहूँगा वहाँ आगे बढ़ाऊँगा, मैं पूरी कोशिश कर रहा हूँ। जैसा कि सर अभी बैठे हुए हैं अचीव म्यूजिक के ऑफिस में, ये शशिकांत उपाध्याय जी कंपनी है और वो तो ऐसे बच्चों को सपोर्ट कर ही रहे हैं जिनके पास कोई प्लेटफॉर्म ना है, तो आपकी बात हो चुकी है उनसे? सर मैंने उनसे बात करी है, हमको बहुत सपोर्ट कर रहे हैं, बोले कि आप जाओ हम आपके पीछे हैं, सपोर्ट हम पूरी तरह से करेंगे, ठीक है, और आप जाओ ले करके लड़के को, ठीक है,
ओम जी, कोई और गाना आपको आता है बाबू, आप सुनाना चाहोगे? हाँ, सुनाना चाहूंगा। सुनाइए, माइक चालू है, टेंशन मत लीजिए, आप सुनाइए। का गाना सुनाइए, किसी का भी हो गाना आप सुनाइए। सुनाइए। ठीक है, सुना रहा हूँ। जे बच्चा बाके नौ महीना अपना कोख में रखे उकर जियला खातिर कितना देवी देवता भाके भगवान से पहले हमारी विश्वास लागल मन में ही आस जागल हमारो जिया दावा जुड़ई तू हमरा विश्वास लागल मन में ही आस जागल हमारो जिया दावा जुड़ई तू माया एक दिन अपना कदे जासे लगाई तू। ओम जी, माई ओम जी। हाँ, आप कैसे गाने सुन के कैसे याद करते हो, कहाँ सुनते हो, कौन ऐसा सुनाता है वो गाना? मम्मी सुनाती है। ये सब गाने आप कहाँ मोबाइल में सुनते हो? हाँ। फिर आप उसको याद कर लेते हो? याद कर लेता हूँ। तो ऐसे गाने कोशिश करते हो? हाँ। अच्छा, आप इतनी तेज चीख चीख के चिल्ला चिल्ला गाते हैं गाने, आपको खेसारी भी गाता है? अच्छा, खेसारी भी गाता है? चिल्ला कर गाता है। हाँ। तो आप खेसारी जैसे बनना चाहते हो? हाँ। वैसे ही बनना चाहते हो? हाँ। आपने गाना गाया, बहुत ही बढ़िया गाना गाया है, वो तो दर्शक खुद ही बताएंगे कैसा गाया है। लेकिन सर, मैं आपसे कहना चाहता हूँ, आपके बच्चे के ऊपर सरस्वती माँ की कृपा है, लेकिन देखिए, अगर इनको देख के डिसीजन दिया जाए तो आंख मूंद के कहा जा सकता है कि हाँ पास हैं। लेकिन मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि आप दिल्ली में आ चुके हैं अभी, कहीं ना कहीं इनको संगीत की क्लास थोड़ी बहुत बहुत ज़रूरी है, क्योंकि अभी ये ऐसे गा रहे हैं, अगर एक दो महीने और ये ट्रेंड हो जाएंगे ना तो बहुत ही ज़्यादा अच्छा गाएंगे। आप क्या सोचते हैं? मैं सर यही मैं ढूंढ रहा हूँ, मुझे कहीं मिल जाए इनको सिखाने के लिए तो मैं इनको डाल दूंगा, जैसे मैं हॉस्टल में स्कूल में डाला हूँ बलिया में, वैसे मैं इनको संगीत लाइन में डालना चाहता हूँ। ये दिल्ली में कोई आपका रहने का बंदोबस्त है, कहीं रह सकते हैं, रुक सकते हैं? सर मैं तो अभी फिलहाल फरीदाबाद में हूँ,
और जॉब वहीं करता हूँ, प्राइवेट नौकरी हमारी। अगर देखिए इनको दिल्ली में कोई व्यवस्था करवा सकते हैं आप, तो संगीत की व्यवस्था मैं करवा सकता हूँ, संगीत का कोई चार्ज नहीं लगेगा, गुरु जी हैं इनको बिठा के सिखाएंगे। आप संगीत सीखने के लिए ओम जी रेडी हैं? हाँ। आप संगीत सीखना चाहते हैं? हाँ। संगीत सीखेंगे या बोर हो जाएंगे फिर आप? हाँ। बड़े होके क्या बनना चाहते हैं आप? खेसारी लाल यादव? हाँ। उनके जैसा गाना गाना चाहते हैं? हाँ। आप क्या कहना चाहोगे ओम जी, जैसे आप स्कूल वगैरह जाते हो? हाँ। स्कूल जाते हो? हाँ।